देश की राजनीति में चुनावी सरगर्मी तेज है। बिहार चुनाव में जीत के लिए पार्टियां लगातार जनता को लुभाने का प्रयास कर रही हैं। इसी के तहत बिहार में लगातार राजनीतिक रैलियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी, नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव, सभी धड़ल्ले से चुनावी रैलियां कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति दरबार और मैं हूँ आपके साथ रुचि पांडे। पीएम मोदी ने राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए के लिए डेहरी ऑन सोन, गया और भागलपुर में 3 रैलियों को संबोधित किया। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार नीतीश कुमार ने डेहरी और भागलपुर की रैलियों में पीएम मोदी के साथ मंच भी साझा किया। तो वहीं कांग्रेस से राहुल गांधी भी अगले बुधवार से शुरू होने वाले 3 चरणों के चुनाव के लिए प्रचार में आज से ही मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने भागलपुर जिले कलहा गांव में नवादा के हिसुआ में 2 अलग अलग रैलियों को संबोधित किया। हिसुआ के चुनावी सभा में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के साथ मंच साझा किया। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अपने प्रचार में जान फूंकने का काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया में अपनी दूसरी रैली में आरजेडी पर जमकर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के बीच ये दुनिया का पहला बड़ा चुनाव है। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कैमूर जिले के दुर्गावती सिंचाई परियोजना के उद्घाटन का जिक्र करते हुए विपक्ष से प्रश्न किया कि 70 के दशक में बाबू जगजीवन राम के द्वारा शिलान्यास रखे जाने के बाद भी इस परियोजना को पूरा क्यों नहीं किया गया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यूपीए सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि यूपीए सरकार ने नीतीश कुमार को 2004 से 2014 तक यानी यूपीए 1 और यूपीए 2 के कार्यकाल में अधिक काम करने नहीं दिया गया। पर वहीं दूसरी तरफ बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की जनता को ये समझा रहे हैं कि पिछले 15 सालों में बिहार में विकास के बहुत काम हुए हैं, अब जनता को प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की बातों में विरोधाभास नजर आ रहा है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी यूपीए सरकार पर काम ना करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं नीतीश जनता के सामने अपने काम गिना रहे हैं। अब जनता इस चुनावी समर में किसका विश्वास करे। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भारत चीन सीमा विवाद को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि चीन की सेना ने हमारे 20 जवानों को शहीद किया है, उसका जवाब दे केंद्र सरकार। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि आते हैं कहते हैं कि किसानों के सामने सिर झुकाता हूं, सेना के सामने सिर झुकाता हूं, मजदूरों के सामने सिर झुकाता हूं, छोटे व्यापारियों के सामने भी सिर झुकाता हूं, फिर घर जाते हैं और अंबानी अडानी का काम करते हैं। लेकिन इस बार बिहार में नरेंद्र मोदी को सही जवाब मिलेगा। तो यहाँ जनता भी राहुल गांधी से सवाल करना चाहती है कि आखिर कब तक कांग्रेस अंबानी और अडानी के नाम पर अपनी राजनीति करेगी, और क्या अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो वह बिहार में अंबानी और अडानी के प्रोजेक्ट जो रोजगार उत्पन्न करने में अहम भूमिका निभाएंगे, क्या महागठबंधन की सरकार उन दोनों ही पूंजीपतियों को बिहार के विकास में योगदान से रोक देंगे। बिहार का चुनाव इस बार बहुत खास है क्योंकि बिहार का आम जन राजनीतिक रूप से बहुत अधिक परिपक्व है, जो अपने विवेक के अनुसार ही राजनीतिक पार्टियों को वोट देंगे। और दूसरी तरफ कोरोना काल के बीच पार्टियों को अपना केंद्र जनता के विकास और उन्नति को ही रखना चाहिए। इस रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी में बस इतना ही। मैं फिर हाजिर होंगी आपके सामने राजनीति से जुड़ी दूसरी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।